जयपुर में सी स्कीम रिहायशी इलाके में एक चाट की दुकान में सिलेंडर लीकेज होने से आग लग गई। आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग को देखकर चाट की दुकान पर खाना खा रहे ग्राहक भी इधर उधर भागने लगे। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड और अशोकनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। देखते ही देखते आग इतनी ज्यादा फैल गई कि आसपास की चाट की दुकानें भी आग की चपेट में आ गई। करीब आधा दर्जन से अधिक चाट की दुकानें आग की चपेट में आ गई। दुकानों के ऊपर से जा रही बिजली की लाइन भी आग की चपेट में आकर फॉल्ट हो गई और आसपास के इलाके में बिजली भी गुल हो गई। दमकल ने एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से चाट की दुकानों का सामान जलकर राख हो गया। आग से दुकानों में लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। दुकान में करीब 4 सिलेंडर रखे थे, लेकिन दुकानदारों की सजगता से समय रहते दूसरे सिलेंडरों को मौके से हटा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। अगर पास में रखे दूसरे सिलेंडर भी आग की चपेट में आ जाते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल आग की घटना से किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है।